हर साल 11 सितंबर को देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1730 में कुख्यात खेजड़ली नरसंहार हुआ था। यह दिन भारत के पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन 1730 में जोधपुर के पास एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक बहादुर महिला के नेतृत्व में लगभग 350 से भी अधिक बिश्नोई लोगों ने राजा के आदमियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। जोधपुर के किले का निर्माण चल रहा था जिसके लिए लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए सैनिकों को खेजड़ली गांव से लकड़ियां लाने का आदेश दिया गया था। लेकिन बिश्नोई समुदाय के लोगों ने इस आदेश का विरोध किया क्योंकि वे खेजड़ली के पेड़ों को पवित्र मानते थे। विरोध स्वरूप अमृता देवी नाम की एक महिला ने खेजड़ली के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपना सिर तक दे दिया। हालांकि महाराज के सैनिकों ने दोबारा नहीं सोचा और अमृता देवी का सिर काट दिया। उन्होंने उस दिन 350 से अधिक लोगों को मार डाला जिनमें अमृता देवी के छोटे बच्चे तक भी शामिल थे। जब इस नरसंहार की सूचना राजा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा और बिश्नोई समुदाय के लोगों से माफी मांगी। इसके अलावा राजा अभय सिंह ने एक घोषणा की कि बिश्नोई गांव के आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई और जानवरों की हत्या नहीं होगी। साल 2013 में भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर को घोषणा किए जाने के बाद यह दिन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।